नरसिंहपुर जिले में इन दिनों बेधड़क अवैध उत्खनन चल रहा है, जिसमें पुलिस कर्मियों की मिलीभगत की खबर सामने आई है। मामला तेंदुखेड़ा थाने का है, जहां थाना प्रभारी नहीं होने के कारण आरक्षक कर्मवीर अपनी तानाशाही चलाते हुए रात में बगैर रॉयल्टी ओवरलोड डंपर ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध वसूली कर रहा है। आरक्षक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो खुद की शिकायत करने की बात कह रहा है। ये महाशय अपनी ड्यूटी भी नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि आरक्षक दिन में सोता है, रात में होते ही नहीं, और अपनी बाइक से पूरी खदानों पर चक्कर लगाने निकल जाते हैं। अभी जो डंपर रोका है, ये कहीं का बता रहे, कहीं से भर के ला रहा है, आप मौके पर हैं, इस पर क्या कार्रवाई होगी? इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ले जा, ले जा। नहीं करे तो, अरे कहाँ ले जा रहा तुम? अरे हो वहाँ लगी, ऐसे ले जान दे, इन यहाँ से ले जान दे। तुम्हें एक आवेदन कलम दे दी, एसपी साहब को रिजान दे दी अपनी नौकरी। नहीं करो तुम, ऐसी रिजान दे दी अपनी नौकरी। नहीं करो तुम, ऐसी ऐसी बात ना करो। या मैनेजमेंट नरसिंहपुर का ये पूरा मामला सामने आया है। जहां आपको बता दें आरक्षक कर्मवीर अपनी तानाशाही चलाते हैं। बेधड़क अवैध उत्खनन इस क्षेत्र में चल रहा है, जिसमें पुलिसकर्मियों की मिलीभगत की खबरें हैं। मामला तेंदुखेड़ा थाने का है, जहां थाना प्रभारी नहीं है, आरक्षक कर्मवीर अपनी तानाशाही चलाते हैं। रात में बगैर रॉयल्टी ओवरलोड डंपर ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध वसूली करते हुए पाए जाते हैं। आरक्षक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इन दिनों देख रहे हैं, जो आप अभी भी देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें वो खुद की शिकायत करने की बात कर रहे हैं कि जाइए कर दीजिए उनकी शिकायत, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिमाशय अपनी ड्यूटी तो नहीं करते, क्योंकि दिन में वो सोते हैं और रात होते ही अपनी बाइक से पूरी खदानों पर चक्कर लगाने निकल जाते हैं कि कहीं कोई काली कमाई उनकी हो जाए। संवाददाता धर्मेंद्र फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। धर्मेंद्र, कर्मवीर जो आरक्षक हैं, आरक्षक कहना भी गलती होगी, लेकिन क्यों इस पर इतनी मेहरबानी? क्या किसी को इस मामले में कोई खबर नहीं है? कोई अधिकारी इस मामले की जानकारी नहीं रखते, या फिर उन्हीं की निगरानी में ही ये तमाम चीजें हो रही है? खबर क्या है, मामला क्या है? जी मैम, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। लगातार अवैध उत्खनन को लेकर बात कही जा रही थी कुछ लंबे समय से। अवैध उत्खनन काफी जोरों तोरों से पुलिस के संज्ञान में भी था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले लगातार करमवीर नाम का जो व्यक्ति है, इनके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। एसपी महोदय को यह वीडियो पहुंच गया, हालांकि और उन्हें इसको संज्ञान लेते हुए एस डी ओ को तेम खिलाफ के लिए लिखा, लेकिन जब उनसे जानकारी मांगी तो उन्हें यह पल्ले टाल दिया कि यह गुप्त जानकारी है, इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।